क्या हाल है? पहले अस्सलाम वालेकुम तो कट गया आपका, दोबारा बोलें। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? आनिश क्या कर रही है इधर? मम्मा चल मेरे साथ है। चले आती हूँ। ये आनिश कर्टन्स देख रही है? कर्टन नहीं है ये, कर्टन्स हैं। कर्टन नहीं है। अच्छा दस सीट ही हैं। मैं ये पकड़ लूँ? दे। ये वाला प्यारा लगा। ये भी प्यारा है। आपको कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं आप मुझे बताएं। आगे आए अच्छा, और ये देखें नए। अच्छा आप इधर आए ना, आप इधर आए प्लीज। आनिश इधर आई, आनिश इधर आए। अब बताएं आपको इसमें से कौन सा कर्टन अच्छा लग रहा है? उस तरह का ही। सारे आप में रूम ही पसंद करते हो? ये वाला भी, ये भी, ये भी। आनिश को डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा चले ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी दिखाओ, उठा के। ओहो दिखाए ना, ये क्या चीज है? बेडशीट है। मुझे उछलना आ गया। नहीं नहीं फट जाएगी बेटे, फट जाएगी, वो अंकल डांटेंगे फिर। ये लो मैं बुके रख, सबसे ऊपर रखना। अच्छा रख दे, ये दिखाए ये कौन सी बेडशीट है। मैं इधर ओके मैं आती हूँ। इधर बेडशीट्स हैं, ये मैंने अभी देखी, ये मेरे हाथ लगाने से सारी गिर गई हैं। ये देखें, ये भी कर्टन्स हैं, कर्टन्स हैं। अच्छा ओके। व्हाट इज दिस? क्लीन बहुत बड़ा सा है। ये भी लगे हुए हैं बंद कर। अच्छा ये देखें, ये आई थिंक ये नीचे बिछाने वाली दरिया टाइप कारपेट्स हैं, और ये भी हैं, ये सारे इधर कवर्स में पड़े हुए हैं। मम्मा जी वो सबसे प्यारा वाला है। कौन सा प्यारा वाला? ये देखिए आनिश को, आनिश ने जितने भी पसंद किए ना, आज ये सारे मरून कलर पसंद किए हैं। ओके ये देखें, ये डेकोरेशन पीसेस हैं। ये इधर से थोड़ा ख़राब हुआ है, ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये किसी चीज़ के आई थिंक छिलके हैं, जो किसी इंटेलिजेंट बंदे ने ना डेकोरेशन पीस बना रखे हैं। ये देखें इंसानी दिमाग का हाल कि क्या क्या चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बना रही हैं। अब ये रस्सी है, पर्सन की जो रस्सी होती है उसके साथ इसको किया हुआ है। मैंने कुछ ले लिया है, ये वाला, ये वाला। ओके ये देखें, ये डेकोरेशन बॉटल्स हैं, मतलब डेकोरेशन पीस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन हैं ये बॉटल्स। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी थी ना, ये देखें ये एक ट्रे है जो बॉटल की शक्ल में है। देखें ऐसे पकड़े और इसमें कोई भी चीज़ आप रख के सर्व कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी। टाइप की ही चीज़ें हैं, और ये आउल बने हुए हैं, ये भी डेकोरेशन पीस हैं।
दी आनिश को, फिर मरून कलर का ये भालू बहुत पसंद आ गया। मैंने कहा वाह ये कितना प्यारा है। और ये देखें ये एक लाइन है आई थिंक, और ये लाइनस है, और इन दोनों का पेयर है, यस जुड़ा हुआ है। और ये देखें ये छोटी सी कितनी खूबसूरत सी चेयर है, ये चेयर के ऊपर पता नहीं किसने रखा ये खाली चेयर, देखें कितनी खूबसूरत है। और ये देखें ये कितना प्यारा है। ये बाउल भी देखें कितना खूबसूरत है। और ये क्रिसमस ट्री है, इसका सेल खत्म होगा। और ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये मैंने इधर अब देखी हैं, ये मुझसे लेके आते होते हैं सऊदीया से। अच्छा जल रही है लाइट, हाँ वो दिन का टाइम है ना तो नजर नहीं आ रहा। पहन सकते हैं ये मेला मैनी का सेट है, देखिए कितना खूबसूरत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसकी ये जो ये कितनी खूबसूरत है, इसका बड़ा बाउल है, इसका छोटा बाउल है, इसकी बड़ी वाली प्लेट्स है, और ये इसके छोटे वाले बाउल हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा इस तरह ये वाला बाउल में आपको ये देखिए कितना खूबसूरत है। आनिश के रोने चेक करें, कह रही हम यहाँ किस लिए आए हैं। अच्छा डाल देती हूँ रुके। ये देखें ये कितने खूबसूरत हैं, लिप के है। और ये देखें ये छोटे छोटे, ये मुझे ये बड़ी प्यारी लगी थी, ये देखें ये छोटे छोटे ना, ये आई थिंक डेजर्ट वगैरह के लिए हैं। कोई भी ऐसा डिजर्ट के बस थोड़ा सा बंदा खा सके। ये देखें ये हैंड मिक्सर है जिसे हम पंजाबी में मधानी भी कहते हैं। ये देखें ये मुझे बड़ी मज़े की लगती है, ये मेरे पास भी है। ये देखें इसको बस आपने ऐसे ऐसे करना है और ये बस ली जाएगी और लस्सी बना देगी बस। ये देखें इस तरह का, देखें ये ग्रीन टी के लिए है, इसके अंदर आप इसको खोलें और इसमें ग्रीन टी डाल दें और पैन में डाल दें और सीधा इस तरह करके जब ग्रीन टी रेडी हो जाए तो आप इसको ऐसे सीधा ही निकाल लें। यानिश लस्सी बनाने लगी है, ये देखें कितने प्यारे स्पून हैं। अच्छा टकाटक नहीं है कटन वास्ते, सारी चीज़ें हैं। ये पता नहीं चैनक है या फिर कोई सुराही है, पता नहीं क्या चीज़ है, और ये वही है जो मुझे लगता है कि अलादीन को जिसमें जैस्मीन ने कुछ चाय शाय या पानी शानी पिलाया होगा, क्योंकि ये उसी ज़माने की लग रही है।
और ये देखिए मग, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट अच्छा लगा ग्रैंडमा। साथ में ये बहुत बड़ा मग पड़ा हुआ है और ये देखिए कितनी प्यारी है ये, ये भी छोटे छोटे बॉल है। ये मैंने बाउल ऊपर से उतारा है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था स्पेयर शेप में इस तरह करके, और नीचे से ऐसे ये पड़े हैं। और ये डिश है, ये भी बाउल ही है, ये ज़रा अच्छा अच्छा मैं पकड़ती हूँ। ये छोटा सा रेड कलर का, ये अभी आने से देखा नहीं, नहीं तो कहती ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी चार बड़े खूबसूरत लग रहे थे, इनको भी मैं थोड़ा घर छोड़ कर साथ में, बहुत अच्छा लग रहे हैं। और इसको तो इन्होंने जिस तरह वो पेयर मिलती है ना बाज़ार में, जो नाशपातियाँ आती हैं चाइना से आई, उसको इन्होंने कपड़े पहनाए होते हैं ना फ्रूट वालों ने, उस चार को भी कपड़े पहनाए हैं। खैर मैं आपको खोल के दिखा, मैंने कैमरा साइड पे रख के पहले इसको खोला इस तरह करके, बाद में मैं बंद करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। यहाँ से मुझे एक साइड पे इतना वक्त डाला हुआ है, और मसाले वाले डब्बे हैं इस तरह का, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और ये भी बड़ा प्यारा है। और साथ में ये देखें, बहुत ऊपर पड़े हुए हैं रंग बिरंगी चीज़ें हैं, जहाँ तक मेरा तो कदम ही जा रहा है। और ये देखो जुरासिक पार्क का जो डायनासोर था ना, वो इधर आके इन्होंने ना इसको हनूज कर लिया है, मसाले साले लगा के इसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। कौन सा क्लॉक वाला? ओके, ये बादाम तोड़ने के लिए अखरोट या बादाम इसमें रखें और उसका घेरा गर्म कर दें, और बादाम कहे कि मैं दुनिया में क्यों आया, इसने इसका वो हाल कर दिया। और ये है आई थिंक कोई कटाकट बनाने के लिए या कोई चीज़ की कटिंग करने के लिए। अच्छा ये देखें जी, बस साहब बताते हैं कैसे कटिंग करनी। ओके ठीक है, थैंक यू। ये आनिश ने ना स्पून जो है ना ये इकट्ठे करके रखे हैं, कि मैं ये वाला भी ले लूँ, मैं ये वाला भी ले लूँ, ये भी है। ओके ये भी रख लें, सबसे क्यूट है। बास्केट कितनी खूबसूरत है, ये मेलामाइन की बनी हुई है और अंदर से ऐसी है, और बाहर से इसका डिज़ाइन बड़ा ना खूबसूरत लग रहा था। ये देखें ये भी डिशेज हैं छोटी छोटी या प्लेट्स हैं जो भी है, सेम ये दो का पेयर है और दूसरी दिखाएं, और ये तीन का पेयर है इस तरह की, ये भी मुझे खूबसूरत लग रही थी। कोई चीज़ भी रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, सब तो ना भी रख तब भी आप अपने घर में रख सकते हैं। ये मुदस्सर साहब ने मुझे ऊपर से उतार के दिया जिसकी पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर ना, ये वैसे इतना वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं आ रहा, इसको वैसे देखें तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर ना इन्होंने मिर्चें काट के रखी हुई हैं, ये देखें उसके सीड्स, और ये मिर्चों की कटिंग करके
इसके अंदर उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है इसको किसी भी केमिकल के अंदर, और ये इसका बस ये इसी तरह ही। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें बस ये ह्यूमन स्किल्स है ना, जो दूसरे बंदे को जिसके पास स्किल्स नहीं होती हैं उसको हैरान कर देते हैं। इधर से ये ऐसे लग रहा है और इधर से ये ऐसे लग रहा है। ब्यूटीफुल। ये अचानक मेरी नज़र पड़ी है तो ये देखें कितनी खूबसूरत छोटी सी डक है। डक भी नहीं है, पता नहीं क्या है। डक काली तो नहीं होती है, ये पता नहीं क्यों बेचारी ऐसी काली है। मुझे लगता है स्याह फॉर्म डक है। तो ये साथ में ये जो एक बाबा जी हैं, ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। हाँ ये लेडी खूबसूरत लग रही है। और इसके पीछे ये जी, इसने पता नहीं कौन सा एनिमल पकड़ा हुआ है आंटी अंग्रेजनी ने। ये भी टेबल पे गरम चीज़ रखने के लिए एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई है नीचे से ही ऐसे। और ऐसे मैंने शॉपकीपर को कहा कि ये तो मुझे लगता है जिस पर रोटी बेलते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी रोटी के लिए, जिस तरह मैं बड़ी रोटी बनाती हूँ। कहते नहीं जी ये टेबल पे रखने के लिए, कि इस पर कोई भी आप गरम कोई भी गरम चीज़ रख सकते हैं। लें जी अब ये भी कुछ आ गया है, ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ये वुड का बना हुआ है, बड़ी प्यारी लग रही है। बस इसके अंदर ही कुछ ब्लैक ब्लैक सा कलर आ गया। और आनिश के रोने नहीं ख़त्म हो रहे हैं कि हमें मुझे कुछ ले के नहीं दे रहे हैं।